स्वास्थ्य मंत्री का विवेकाधीन अनुदान। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई एक सरकारी योजना है। इसमें रोग, स्वास्थ्य, अस्पताल, चिकित्सा सुविधा और मरीज, इन श्रेणियों में सरकार द्वारा मदद की जाएगी। अब हम इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। सरकारी अस्पतालों में अस्पताल में भर्ती उपचार पर खर्च का एक हिस्सा चुकाने के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि RAN के तहत आने वाली जानलेवा बीमारियों के लिए ऐसे मामलों में जहां मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं है उन्हें उपलब्ध कराना। केवल वे लोग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,25,000 रुपए और उससे कम है, स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान HMDG से वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। इस योजना के तहत सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पतालों संस्थानों सहित सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके फायदे कुछ इस प्रकार है। सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पतालों संस्थानों सहित सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए वित्तीय सहायता 50,000 की वित्तीय सहायता यदि उपचार की अनुमानित लागत 1,00,000 तक है तो 75,000 की वित्तीय सहायता यदि आप उपचार की अनुमानित लागत 1,00,000 से अधिक और 1,50,000 तक है, 1,00,000 की वित्तीय सहायता यदि उपचार की अनुमानित लागत 1,50,000 से अधिक है, इन प्रकारों में मरीज की सहायता की जाएगी। इसके लिए पात्रता जो है वो हम जान लेते हैं। आवेदक केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आवेदक को सरकारी अस्पताल सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पतालों संस्थानों सहित में अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, इलाज चल रहा होना चाहिए। आवेदक की कुल वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ये योजना किन किन चीजों का बहिष्कार करती है हम उन्हें जान लेते हैं। निम्नलिखित मामले HMDG के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं है। आवर्ती व्यय वाले लंबे उपचार की अनुमति नहीं है। सामान्य प्रकृति के रोग जहां इलाज महंगा नहीं है। TB मामलों, निजी अस्पताल में इलाज के लिए मामले, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, इसकी आवेदन प्रक्रिया जो है वो ऑफलाइन होने वाली है। आवेदन पत्र आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फिल करके सबमिट कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि रोगी को किन किन रकमों में सहायता मिलने वाली है। पहला, 75,000 यदि उसकी उपचार की अनुमानित लागत 1,25,000 तक है। लागत जो उपचार के लिए अनुमानित लागत है वो 1,25,000 रुपए से अधिक और 1,75,000 रुपए तक है। और तीसरा, 1,25,000 रुपए यदि मरीज की उपचार की अनुमानित लागत 1,75,000 रुपए से अधिक है। इसमें BDO, तहसीलदार, कलेक्टर, SDM, इसमें पूरा नाम, पद नाम यानी कि आपका सरनेम, टेलीफोन नंबर और प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का पूरा आधिकारिक पता से आवेदक और उसके परिवार के सभी सदस्यों के व्यवसाय मासिक वार्षिक आय के संबंध में मूल रूप से एक प्रमाण पत्र का स्रोत। दूसरा, इसमें लगेगा आपको राशन कार्ड की जेरोक्स। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसकी लिस्ट भी हमने अपनी वेबसाइट पर दी हुई है, आप वहां से अपना उत्तर या अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस योजना के लिए जो सोर्सेस और रेफरेंसेस है उसकी लिंक हमने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी हुई है, आप वहां क्लिक करके इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही गवर्नमेंट स्कीम जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।